Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kulshreesh, and today in this part 2 of the chapter number 2 biological classification, we will talk about the kingdom Monera. So earlier we have seen that the five kingdom classification which was given by Whittaker. So in this kingdom there are five kingdoms, and they are: first is the Monera, then Protista, Fungi, then Plantae, and Animalia. Right, so these are the five kingdoms, and in this video we will talk the first kingdom, that is the kingdom Monera. So in this kingdom Monera, only the bacteria are present. So bacteria are the sole members of the kingdom Monera. Kingdom Monera ki kya khasiyat hai ki isme prokaryotic organisms aate hain. Prokaryotic, pro matlab primitive, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है और इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है. बट इन दिस प्रोकैरियोटिक सेल यू विल नॉट फाउंड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केवल ऐसे जेनेटिक मटेरियल आपको मिलेगा विच वॉज प्रेजेंट लाइंग इन द साइटोप्लाज्म एज इट इज. सो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं आपके किंगडम मोनेरा में. सोल मेंबर्स इसके हुए बैक्टीरियाज. राइट, नाउ दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सबसे ज्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनमें से सबसे ज्यादा कौन है? बैक्टीरियाज हैं. बैक्टीरियाज अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर एवरीवेयर, यानी कि वी कैन से दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन. दे कैन बी फाउंड इन एयर, दे कैन बी फाउंड इन वॉटर, दे कैन बी फाउंड इन सॉइल. ओके, एंड इवन इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑल्सो वी विल फाउंड देम, लाइक इन हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस. तो इन ऐसी जगह पे भी जहाँ पे भी हम सोच नहीं सकते कि वहाँ लाइफ पॉसिबल है, इन सच कंडीशन ऑल्सो दीज बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट. राइट, सो वेर आर फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, मेनी ऑफ देम लिव इन अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट. तो कुछ एज अ पैरासाइट ऑल्सो दे फाउंड, कुछ बॉडी के ऊपर रहते हैं, एक्टो पैरासाइट बोलते हैं, और कुछ बॉडी के अंदर रहते हैं एज अ पैरासाइट, तो वी कॉल द एंडोपैरासाइट. ओके, बॉडी के बाहर तो एक्टो, अंदर तो एंडो. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. उनकी जो शेप है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, बैक्टीरियल शेप एंड फ्लैजिलेशन की. यू कैन वॉच दैट वीडियो इन डिटेल इफ यू वांट टू लर्न. तो चार शेप हम इसमें देखेंगे. कोकस शेप ऐसी होती है, स्पेरिकल शेप के होते हैं. फिर आती है आपकी बेसिलाई शेप, रॉड शेप जैसे स्ट्रक्चर है ये. फिर विब्रियो, कॉमा जैसे स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरियाज के. एंड स्पैरलम, ओके, दिस इज द स्पाइरलम शेप ऑफ बैक्टीरिया. सो दे कैन बी फाउंड इन एनी ऑफ दीज शेप. कोकाई शेप हो गई है, बेसिलाई, देन दिस इज कॉमा, सॉरी दैट वी कॉल इट विब्रियो, एंड दिस इज स्पाइरलम. सो दीज आर द फोर शेप ऑफ बैक्टीरिया. एंड बिफोर स्टार्टिंग वट एवर रिटन एनसीईआरटी, वी फर्स्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियाज. ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर बात करें तो पहला क्या होता है, सब में सेल मेम्ब्रेन होती है. इन एवरी लिविंग सेल वी हैव अ सेल मेम्ब्रेन. तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई फॉस्फोलिपिड्स की. ठीक है, लाइक दिस यू कैन इमेजिन, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. देन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इसके ऊपर आपको मिलेगी सेल वॉल. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. ओके, दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. एंड इसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर आपको, लेट मी टेक द पेन, सेल वॉल के ऊपर आपको ऐसी स्लाइमी लेयर मिलेगी. ओके, तो लेट अस राइट डाउन द नेम. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हो गई आपकी सेल वॉल. इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. पेप्टाइडोग्लाइकेन इसका जो स्ट्रक्चर है, हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है. यू कैन सी दैट वीडियो टू लर्न दिस स्ट्रक्चर. पेप्टाइडोग्लाइकेन मतलब पेप्टाइड, और ग्लाइकेन मतलब शुगर की ये बनी हुई है. इसके ऊपर ये जो लेयर है, दिस इज द स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर इज, इफ इट इज थिक, वी कॉल इट कैप्स्यूल. स्लाइम लेयर इज जनरली मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, और अगर इसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड भी आ जाए तो देन वी कॉल इट अ कैप्सूल, बिकॉज इट बिकम्स हार्ड देन.
ओके अगर ये लेयर हार्ड हो जाती है देन दैट बैक्टीरिया कैन बी पैथोजेनिक, उसको किल करना हार्मफुल हो जाता है राइट. इसके अलावा इसमें होता है न्यूक्लियर मटेरियल, सो दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको क्योंकि इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. दिस इज न्यूक्लियोइड. बिसाइड द न्यूक्लियस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज ऑल्सो देयर इन सम केसेस विच इज नोन एज प्लाज्मिड, जिसको हम प्लाज्मिड बोलेंगे. ओके दिस इज सर्कुलर डीएनए, इसका जो डीएनए वो सर्कुलर होता है. और प्लाज्मिड यू नो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा है कि प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर काम कराते हैं. इस प्लाज्मिड में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा के इसको होस्ट बॉडी में इंसर्ट करा देते हैं, होस्ट बॉडी में इसको भेज दिया जाता है, तो ये हमारी जो पसंद की प्रोटीन है वो बना के देते हैं. देन इनसाइड हियर देयर इज अ 70th टाइप ऑफ राइबोसोम आल्सो. ये राइबोसोम्स है इसके, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज नहीं होते जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह तरफ मेम्ब्रेन होती है ना, दो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज नहीं है. राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और इसका जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है. तो 70S टाइप का राइबोसोम होता है एक 80S टाइप का. 80S टाइप का आपको यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा और 70S टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, रिमेंबर 70S इन यूकैरियोटिक, सॉरी 70S इन प्रोकैरियोटिक एंड 80S इन यूकैरियोटिक. कैसे याद रखेंगे, 30, 40, 50, 60. तो 70S की जो छोटी यूनिट है वो 30S की है, बड़ी यूनिट 50S की. और S मतलब सेडिमेंटेशन यूनिट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कौन की यूनिट क्या है इनकी. ओके अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करा हो तो उसमें जो राइबोसोम की जो सेडिमेंटेशन पावर है वो दैट इज द छोटी यूनिट की 40S है इसमें, इसमें बड़ी की 60S. इज इट क्लियर. तो आप ऐसे याद रखते हो कि 30, 40, 50, 60 और ये बना रहा है आपका 70, ये बना रहा है आपका 80, लाइक दिस. ओके अब इसके अलावा इसमें होते हैं फ्लैजिला. फ्लैजिला प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता. इफ इट इज प्रेजेंट और इफ इट इज एब्सेंट वी कॉल इट एट्राइकस, नहीं होता है तो एट्राइकस. जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो दही जमाने का काम आता है उसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता है, तो जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है उसको बोलते हैं एट्राइकस. ए का मतलब भी होता है एब्सेंट. ओके तो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो एक एंड पे भी हो सकता है, दोनों एंड पे भी होता है, चारों तरफ भी हो सकता है, पूरी बॉडी में ऑल ओवर राइट. एंड इट देयर कैन बी मेनी फ्लैजिला, टू फ्लैजिला डिपेंड्स, ठीक है. उसका हमने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, इफ यू वांट इन डिटेल यू कैन लर्न फ्रॉम देयर. तो इसका फ्लैजिला हो गया. बिसाइड दिस फ्लैजिला देयर आर द साइटोप्लाज्मिक जो है एक्सटेंशन हो रहा है जो बना रहा है पिलाई, ठीक है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो आगे बढ़ती बढ़ गई है और ये क्या बन गया है पिलाई, पिलाई लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द अटैचमेंट. तो दो बैक्टीरियाज जो होते हैं, सबको ये एक बैक्टीरिया एक दूसरा बैक्टीरिया है, ये दोनों बैक्टीरियाज एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे पिलाई की हेल्प से. एंड दे कैन शेयर देयर जेनेटिक मटेरियल, ये अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं लाइक दिस. इज इट क्लियर, ठीक है. और इसके अलावा यहाँ पे हो गया साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म में इसमें वेसिकल्स होते हैं जिनमें एंजाइम्स वगैरह फिल्ड होती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ वेसिकल्स होते हैं जिनमें एंजाइम्स फिल्ड होती हैं. तो ये हो गया आपका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है. तो ये हो गया, इसमें देख लीजिए फ्लैजिलम हुआ, ये प्लाज्मिड है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है. देन दिस इज द न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है, ये क्रोमोसोम राइबोसोम्स है 70S टाइप के, साइटोप्लाज्म पिलाई फॉर अटैचमेंट, सेल मेम्ब्रेन इज देयर लिपिड की प्रोटीन की बनी है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेट की बनी है, कैप्सूल, ठीक है, ये स्लाइम लेयर या कैप्सूल, अगर हार्ड है तो कैप्सूल बोलेंगे. देन एंडोस्पोर, तो इन अनफेवरेबल कंडीशन जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया अपने चारों तरफ तीन लेयर बना लेता है, ओके, फॉर इट्स प्रोटेक्शन. और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ये अपने आप को सर्वाइव करने में ये मेम्ब्रेन इसको हेल्प करती है. यू कैन सी दिस इज द बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल वॉल, ये अंदर बैक्टीरिया है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल है. बिसाइड दिस यू कैन सी इनर स्पोर कोट, आउटर स्पोर कोट, एक्सोस्पोरियम, ये सब प्रोटेक्शन के लिए इसने अपने बना लिए हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एंडोस्पोर नाउ. सो दिस स्ट्रक्चर इज नाउ वी कॉल इट एंडोस्पोर, ठीक है. एंडोस्पोर बैक्टीरिया अपने आपको बचाने के लिए अंडर अनफेवरेबल कंडीशन वो एंडोस्पोर बन जाता है.
ठीक है. दीज आर द शेप्स ऑफ एक्टेरिया, स्कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरल, विब्रियो, विच वी हैव सीन. विब्रियो मतलब कॉमा शेप का हो गया बैक्टीरिया, बेसिलाई मतलब रॉड शेप का बैक्टीरिया, कोकाई मतलब स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो क्या कह रहा है कि दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल. तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल दिखता है, लगता है प्रोकैरियोटिक सेल है, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, इसके पास कुछ भी है. बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. तो बिहेवियर में वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. एंड अगर हम इनको और ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है विच शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत देखने को मिलती है. सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉफिक एंड इन ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो दे कैन बी कीमोटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में भी अपना खाना खुद बना लेते हैं ना ऑटोट्रॉफिक, दे कैन बी कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक. तो कीमो में तो वो केमिकल को तोड़ के एनर्जी लेते हैं, केमिकल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेते हैं. फोटो ऑटोट्रॉफिक में सनलाइट से एनर्जी लेते हैं. ओके, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं. इज दैट क्लियर? तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में खुद खाना बनाते हैं, अब वो केमिकल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी लेते हैं तब खाना बनाते हैं, या सनलाइट से एनर्जी लेकर खाना बनाते हैं, डिपेंड्स. सनलाइट से लेते हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे, और केमिकल से लेते हैं तो कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक. और दूसरा आपके जो मेजोरिटी है वो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डिपेंड होते हैं अदर डेड ऑर्गेनिजम्स पे. ठीक है, डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड. तो सड़ी गली चीजों से अपना वो खाना लेते हैं. आगे बढ़ते हैं. आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, और वी कैन से एंशियंट. ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जानते हो जो पुरानी हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, तो वही समझ लीजिए आर्की बैक्टीरिया भी प्रिमिटिव टाइप के, एंशियंट टाइप के बैक्टीरियाज हैं. और ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हार्श हैबिटेट में मिलेंगे आपको, जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, उनको बोलेंगे हेलोफाइल्स, है ना. हेलोफाइल्स सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रहे जहाँ बहुत ही हाई टेम्परेचर है, उनको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स. एसिडोफाइल्स यानी कि ये हॉट टेम्परेचर भी है और एसिडिक एनवायरमेंट भी है. यू नो द पीएच स्केल 0 to 14, 7 हो गया न्यूट्रल, 7 से कम हो गया एसिडिक, और 7 से ज्यादा पीएच होती है तो बेसिक. ओके, तो एसिडिक एनवायरमेंट यानी कि जहां पे एसिडिक एनवायरमेंट है वहां पे भी आपको मिल सकते हैं. मार्श एरियाज में मिलेंगे मीथेनोजेंस. ओके, मीथेनोजेंस जो है मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं, ये मीथेन जो गैस है वो बनाते हैं. आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल. तो इनको अगर हम कंपेयर करें जो यू बैक्टीरियाज हैं या जो ट्रू बैक्टीरियाज हैं, जिनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई है, इनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है, और किसी किसी में तो ये प्रेजेंट भी नहीं होती है सेल वॉल, इसीलिए ये सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में. मीथेनोजेंस की बात करें, दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स. तो बहुत सारे रुमिनेंट एनिमल्स जैसे काऊ और बफलो है ना, जो घास वगैरह खाते हैं, तो इनका सेलुलोज जाता है ना, प्लांट किसकी बनी, प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है. तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए देयर इज अ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर गट. ठीक है, इनकी एक चैम्बर होता है र्यूमेन, स्टमक का एक चैम्बर होता है र्यूमेन. इस र्यूमेन में होते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे मीथेनोजेंस होते हैं. तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो इनका जो डंग होता है, इसके डंग में, काव बफलो के डंग में ये बैक्टीरियाज भी होते हैं, मीथेनोजेंस. तो इस डंग से मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस, और वी कॉल देम बायोगैस. ठीक है, तो डंग से हम मीथेन गैस या बायोगैस बनाते हैं. मीथेनोबैक्टीरियम, इसके जो चार मेंबर है, मीथेनोबैसिलस, मीथेनोसार्सिना, मीथेनोकोकस. ये कोकस शेप का हो गया, बैसिलाई शेप के, रॉड शेप के हो गए. सार्सिना हमने वीडियो अलग से बनाई हुई है, क्यूब जैसे ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्यूब की तरह रहते हैं. तो ये हो गया, बात हो गई सच इज काव बफलो एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीस एनिमल्स. ओके, हेलोफाइल्स होते हैं जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, जैसे कि आपके हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, कोकस शेप का हो गया. थर्मो एसिडोफाइल्स यानी कि जो बहुत हॉट टेम्परेचर में रह गए हैं, थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस. थर्मो थर्मो वो हेलो हेलो मैथिनोल, बहुत इजीली आप इनका नाम याद रख सकते हैं. ओके, जो जहां रह रहा है उसका वैसे ही कुछ नाम है. थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं. ठीक
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू का मतलब भी होता है ट्रू। ये ऐसे बैक्टीरिया है जिनको ट्रू बैक्टीरिया बोलेंगे। ट्रू बैक्टीरिया क्या है? थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया देयर दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, जो हमने देख लिया। इनके सेल वॉल बहुत ही रिजिड होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। दे कैन हैव फ्लैजिलम, फ्लैजिला हो सकता है। अब इनमें बात करते हैं साइनोबैक्टीरियाज की, ठीक है। ट्रू बैक्टीरियाज में भी साइनोबैक्टीरिया की अगर बात करें, साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए होता है, यानी कि दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक, यानी वो अपना खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ए है। सो दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो इनको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, जो खाना केमिकल से बना रहे हैं, एनर्जी केमिकल से ले रहे हैं, केमिकल को तोड़ के, है ना। फोटो ऑटोट्रॉफ्स वो हो गए जो सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं। अब ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, एंड दे कैन बी फिलामेंटस ऑल्सो। जैसे कि ये नॉस्ट्रोम दिखाया हुआ है आपको, ये फिलामेंटस है ना। कई सारे बैक्टीरिया एक साथ झुंड में भी रह सकते हैं। सो और दे कैन बी फ्रेश वाटर, साफ पानी, खारा पानी, या टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पे भी रह सकते हैं। इनको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है ए है, तो ये अपना खुद खाना बना सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, बट दे आर साइनोबैक्टीरिया, दे आर बैक्टीरियाज एज वी से। तो क्या बात करते हैं हम, इनके पास क्या होता है? हीट्रोसिस्ट, एक ऐसी सेल होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हीट्रोसिस्ट इज अ सेल विच इज हेल्पिंग इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैरिन और टेरेस्ट्रियल। The colonies are generally surrounded by a gelatinous sheet. तो आपको यहाँ पर तो म्यूसिलेज शीट दिखाई हुई है। अब डिफरेंस क्या है? देखो, जिलेटिनस शीट म्यूसिलेज शीट तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, और जिलेटिनस शीट बनी होती है कोलाजन की। अब ये दोनों ही शीट जो है सेल को एक साथ रखने में हेल्प करती है, एंड दे हेल्प इन लोकोमोशन। तो दोनों ही शीट का यही काम है, बट डिफरेंस इनका जो कंपोजिशन है उसमें है, वो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये कोलाजन है, ठीक है। नॉस्टोक और एनाबीना ये साइनोबैक्टीरियाज हैं। NOA, नोआ से मैं याद रखती हूँ, नॉस्टोक ऑसिलेटोरिया एनाबीना, ये क्या है? साइनोबैक्टीरियाज, राइट। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट अमोनिया। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए नाइट्रेट, नाइट्राइड, अमोनिया, आयरन भी है, इवन आयरन, सल्फर। तो इन सबको ये ना ऑक्सीडाइज करते हैं, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, फिर उससे खाना बनाते हैं और एटीपी बनाते हैं, ओके। तो ये आपके हो गए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। नाउ दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर, इनको रिसाइक्लिंग करने में, इन मिनरल्स को रिसाइक्लिंग करने में भी इन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है। वेरी क्लियर नाउ दिस पैराग्राफ, आई होप, इज इट क्लियर? इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए हीट्रोसिस्ट का क्या काम है, ओके। साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल्स नॉस्टोक एंड एनाबीना, एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हीटोट्रॉफिक, हमने देखा सबसे ज्यादा हीटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, मोस्ट अबंडेंट है ये, है ना। एंड द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि जो सड़ी हुई चीजों को डिकम्पोज करते हैं, कोई एनिमल मर गया उसकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरमेंट को साफ करने में, बिकॉज दे आर डिकम्पोजर्स। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो हमारे ह्यूमन के भी काम, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो ह्यूमन के काम आते हैं, इनसे एंजाइम्स बनती हैं, ये हमारे कर्ड को बनाने में हेल्प करते हैं, ये एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हुआ, स्ट्रेप्टोमाइसिस से बनता है स्ट्रेप्टो, रिमेंबर दिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिस इज अ बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक, राइट। दे हैव सम फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस रूट। तो जो लेग्यूम वाले प्लांट होते हैं, जैसे आपके मटर हुए जिनमें लेग्यूम्स होते हैं, फलियां जैसे होती है, फलियां होते हैं,
तो इसमें नाइट्रोजन को फिक्स करने में इन बैक्टीरियाज का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। दे हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन बिकॉज प्लांट नाइट्रोजन हवा से एटमोसफेयर से नहीं ले पाते हैं। इस नाइट्रोजन को पहले फिक्स होना पड़ता है नाइट्रेट में, वो नाइट्रेट फिर ये एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी हैं, मींस वो बहुत सारा डिजीज भी कॉज करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, इन इवन प्लांट्स। तो ये कुछ डिजीज के नाम दिए हैं, कोलेरा टाइप, कोलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो, कोलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरे, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, टिटनस इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी, सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास सिट्री। तो ये जो है डिजीज कॉज करते हैं बैक्टीरियाज। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ये आपको फिजन दिखाया हुआ है। जैसे कि सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसको डिवाइड होना है तो ये अपना पहले तो जेनेटिक मटेरियल डबल कर लेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे इन्वेजिनेशन टाइप का हो जाएगा, फिर ये दो सेल में टूट जाएगा, ये बाइनरी फिजन हो गया, ठीक है। सम टाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्ट्स, मैंने बताया कि स्पोर्ट्स बन जाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, एंडोस्पोर्स। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बात करी थी कि जैसे एक बैक्टीरिया है ये दूसरा बैक्टीरिया है, इन दोनों को चिपकना है तो ये पिलाई से अपने चिपक जाते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है दे कैन ट्रांसफर टू अनदर, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्जुगेशन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। सो दिस इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पुराना मेथड है ये। अब हम आते हैं माइकोप्लाज्मा पे। माइकोप्लाज्मा क्या है भाई? सेल वॉल हटा दो बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से क्या हटा दो? सेल वॉल, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आल्सो कॉल्ड PPLO, फुल फॉर्म इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO इट इज ऑल्सो कॉल्ड जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है PPLO, और प्लूरो निमोनिया मतलब ये निमोनिया बहुत कॉज करता है, कैटल में निमोनिया कॉज करता है, एनिमल में कुछ ये डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कैटल, प्लांट में जैसे बंची टॉप ऑफ पपाया ना कॉज, बंची टॉप ऑफ पपाया, तो ये डिजीज भी कॉज करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। तो इनको ये नाम है प्लूरो निमोनिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि निमोनिया कॉज करता है कैटल में, और प्लियोमॉर्फिक होते हैं यानी कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लियोमॉर्फिक है यानी कि अपनी शेप को ये चेंज कर सकते हैं, इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई वी कॉल देम जोकर्स। जोकर्स जो है ना तरह तरह के फेसेस बना के पास आते हैं, तो ये हंसाता नहीं है, ये डिजीज कॉज कर देता है निमोनिया, ठीक है, आपको रोना पड़ेगा। तो ये हो गए जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, एंड दे आर वेरी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, दे आर द लिविंग सेल्स, ओके। वायरस को हम स्मॉलेस्ट कैटेगरी में लिविंग सेल में नहीं डालते बिकॉज वायरस जो है बॉर्डर लाइन पे है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो लिविंग की है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग की है, लेकिन ये पूरा लिविंग है, बस इसमें क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी ये रह सकता है, एंड मैनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। ये हमने देख लिया डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजेनिक है एनिमल्स और प्लांट्स में, दे कंप्लीटली लैक सेल वॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वॉल नहीं है। बाकी सब जो उसमें था, राइबोसोम है 70s टाइप का, सोल्युबल प्रोटीन्स मिलेंगी, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन आप जानते हो है ना, लिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन मिल गई, आरएनए हो गया इसके पास, डीएनए भी हो सकता है इसके पास, दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, प्लीज प्लीज शेयर माई वीडियो एज मच एज यू कैन एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स।